चाय देना। सलाम अलैकुम भाइयों, की हाल है? तो ना आज भी लेट है एक घंटा। कौन? दूध वाला। भाई दूध बहुत पतला आ रहा है आजकल। भाजी हमारा कसूर नहीं है, दूध पीछे से ऐसे आ रहे। से फोन की दिया।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या बात है, आजकल हजारा एक्सप्रेस लेट आ रही है। हाँ, अभी भी एक घंटा लेट है। लेकिन ये तो रोज का मामूल हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई, तुम्हारे हाउस रेंट का मसला हुआ? जी, वो दरख्वास्त दी हुई है, देखें कब तक जवाब आता है। हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आप बिरयानी और लेंगे, मैं ला दूं? ये दूध है या पानी? अब वो बाहर से ही ऐसा आ रहा है दूध। अच्छा, एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं क्यों बुरा मानूंगा? अखबार में एक जॉब देखी है मेकअप आर्टिस्ट की, पास में ही है। टाइमिंग्स भी दिन की हैं, 2 से 5, हमारा भी मन लगा रहेगा और कुछ पैसे कमा लूँगी तो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ। दो वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन इन पैरों पर खड़ा रह के कुत्ते की तरह मजदूरी करता हूं। इस घर को चलाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। ये सब मैं इसलिए करता हूं कि हमारे घर की औरतें चंद पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ जाकर बैठे, उनकी महफिलों की रौनक बने। नहीं, ऐसी मैं रस समझ रखा मुझे क्या बाप की तरह। मुझे काम पर जल्दी निकलना है, सुबह नई वाली शर्ट प्रेस कर देना और ये मातम खत्म करके लाइटें बंद करो और सो जाओ।
Hi, come in. Hi, how are you, Noor? I saw the portfolio. It was amazing. Hiba loved every picture you sent in. All right, now, come. All right, so let me show you today's model. All right, let me take you to work. All right, why don't you just follow me? All right, hi. How are you? You good? All right, okay, so I'm gonna let you two get acquainted. I'm gonna be right back. All right, you guys talk, all right? All right, everyone, all right, we are running late, so I'm gonna need you guys to hurry it up a little bit, all right? Okay, thank you. All right, bye-bye. स्पॉट बॉय मैम का फोन कहाँ है? अपने ले लो। वाइंड अप गाइस, वाइंड अप, लो चलो उठो, वाइंड अप। यू आर द नेक्स्ट, इनका मेकअप करो। वाव। यू आर न्यू राइट? यप। गुड जॉब, इम्प्रेसिव हाँ? नूर की नूरे जहाँ माइंड ब्लोइंग क्या बात नहीं करोगी? कान पकड़ लूं क्या? बात तो सुनो ना, इधर आओ। अस्वत छोड़े। अरे क्यों छोड़े? साली नखरे किसको दिखा रही है? हैं? किसको दिखा रही है नखरे? नहीं। हैं? नहीं। सीधी हो जा, सीधी। बस।
कितनी बार तुम्हें कहे मेरी चाय में चीनी मत डाला करो। बीबी का मरीज तो तुमने बना ही दिया है, अब क्या शुगर से भी मारने का इरादा है? क्या क्या याद रहता है तुम्हें? सॉरी, एक बार भी सॉरी कहो ना मुंह तोड़ के रख दूंगा तुम्हारा। All going good? Yes, ma'am. Good. Noor, would you join me for a cigarette? मैं नहीं पीती। साथ तो दे सकती हो ना यार। चलो, आओ, आ जाओ। दुनिया जानती है कि औरत दर्द छुपाने के मामले में बड़ी माहिर होती है, पर ये जख्म जो फाउंडेशन से तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, इससे तुम्हारे जख्म हल्के तो पड़ गए मगर तुम्हारे दिल पे लगी ज़र्ब साफ दिखाई दे रही है। शौहर हैं वो हमारे, छोटी छोटी खुशियों के लिए, ज़रूरत के लिए तड़पना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मतलब मैं रोज़ ये सोचती हूँ, ख़ुद से पूछती हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। हम औरतें ना मर्दों की खिदमत को अपना अवलीन फ़र्ज़ समझती हैं, फिर वो चाहे हमें नौकरानी क्यों ना समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम पूरी ईमानदारी के साथ उनका हर हुक्म बजा लाते हैं। लेकिन मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ ये सब सह के, सोच सोच के। ज़िंदगी एकदम बेकार सी लगती है और अपना वजूद एक बोझ सा लगता है मुझे। क्योंकि हमारा काम कुर्बानी देना है। हम औरतें ज़िंदगी के हर कदम पर कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बीवी बनकर कुर्बानी देती आई हैं, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहा है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह दूँ आज़ादी सिर्फ मर्दों के लिए होती, हम औरतों को तो गाली देने की भी आज़ादी नहीं।
छोड़ दिया मैंने अपने शौहर को, और देखो मुझे, ठीक तो हूँ मैं, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी सिर्फ उनकी खिदमत करने का ही नाम हो। ये यकीन नहीं आता कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। और तुम्हें पता है, अगर उन्हें ये मालूम पड़ा कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आती हूँ, तो कहीं वो मुझे जान से ना मार दें। डर डर के जीने से अच्छा है कि तुम अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जाओ बता दो उन्हें जाके कि तुम क्या करना चाहती हो, और फिर खुदा पे भरोसा रखो, सब बेहतर होगा, सब कुछ। जाओ नूर, जाओ। इंशाल्लाह। खैर, कल सुबह मैं लाहौर जा रही हूँ, एक नया सेटअप खोलने का सोचा है मैंने। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चलो मिलके कुछ करते हैं, ठीक है? इंतजार करूंगी तुम्हारा कल सुबह। अस्वत, आप? अरे वाह 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 वाह, आ गई आ गई आ गई। हाँ, मैं आपको बताने। अरे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? पानी पी लो, पियो पानी, हैं? पी लो पानी। कहाँ गई थी? वो पॉलर। अच्छा ऐसा करो, चलो सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। अस्वत माफ कर। मैंने कहा निकलो यहाँ से। प्लीज माफ कर दें। क्या माफ कर दें, क्या माफ कर दें? साली रंडी, मुझे पता था तेरा चक्कर चल रहा है, बहुत पर निकल आए तेरे, बहुत पर निकल आए। करो हिसाब लगाना, बस कर दो। तुमसे घिन आती है मुझे, घटिया इंसान हो तुम। और तुम्हें पता है माशरे में तुम जैसे आदमी को क्या कहते हैं? ना मर्द, ना मर्द हो तुम। वाह, तलाक चाहिए मुझे, तलाक चाहिए मुझे। तुम तलाक दे, तलाक चाहिए हैं? तलाक चाहिए, चल चल चल, दबाओ जाए यहां से, वरना आज मैं कुछ कर बैठूंगा। तमाशा क्यों बना रहे हो? अंदर भी तो बात हो सकती थी ना। तमाशा तो तूने मेरा बनाया हुआ है की औलाद। मेरी माँ को गाली मत देना। जैसे तेरी माँ रंडी थी वैसे तू भी निकली। मेरी माँ को गाली मत देना, मेरी माँ को गाली मत देना, मत देना मेरी माँ को गाली, मत देना मेरी माँ को गाली, मत देना, मत देना, मत देना। मत देना मेरी माँ को गाली। क्यों सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। टिकट
टिकट हो गया। आपका टिकट जी ये ले। आप अकेली सफर कर रही हैं? एक हम सफर का इंतजार था पर शायद मंजिल को कुछ और मंजूर था। अरे ये क्या बात, हम हैं ना आपकी मंजिल तक के हमराही। बहुत शुक्रिया।